एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर नुक्कड़ और हर चौराहे पे आपको इस शहर के समृद्ध इतिहास की निशानियां दिख जाएगी। शायद इसीलिए इस पूरे शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है। तो चलिए आज एक बार फिर से इतिहास के कुछ पन्ने टटोलते हैं और पूरा अहमदाबाद शहर देखते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अहमदाबाद में आज मेरा दूसरा दिन है और आज मैं पूरे अहमदाबाद का टूर लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे अहमदाबाद में एक बस सुविधा चलती है, देखो अहमदाबाद करके, तो वहाँ पे मैंने मेरी टिकट बुक कराई है। तो सुबह 9 बजे से मेरी राइड है, बस की राइड, पूरा अहमदाबाद घुमाएंगे विद गाइड। बड़ा मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे, तो अपन भाई और ये हमारे मित्र हमको छोड़ने आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो तपन भाई अपनी बुलेट निकाल रहे हैं, हमारे कबीर सिंह। कल रात को ना एडवेंचर हो गया था, मैं बहुत डर गया था रात में। हम ट्रिपल सीट गए थे अहमदाबाद में, बट थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, तो अभी भी ट्रिपल सीट जा रहे हैं। पहुंच गया हूँ गांधी आश्रम। यहाँ से हमारा जो देखो अहमदाबाद का जो बस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। 9:45 का रिपोर्टिंग टाइम है, इसलिए मैं 9:45 को पहुंच गया हूं, बट बस दिख नहीं रहा है। बट वहां पे मुझे एक भाई मिले, उन्होंने मुझे बताया कि बस यहां पे ये तोरण होटल है, वहां पे आके खड़ा रहता। यहां पे 9 और 10 बजे बोल रहे हैं, लेट्स सी बस कब आता है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, पूरा दिन घुमाएंगे। तो 9 बजने को आए और बस अब तक आई नहीं, बट हमारे जो गाइड है वो आ गए हैं। उनका नाम राहुल है और ये पूरे दिन आज हमको गाइड करने वाले और घुमाने वाले। बढ़िया लगा सर मुझे। गाइस, बस हमारी आ गई है और क्या लग रही है वैसे। सबसे पहले मैं आपको ये जो बस है उसका थोड़ा सा टूर करवा लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एसी वेसी सब है। अगर ऊपर धूप लगी, मतलब ऊपर जो ओपन बस है ऊपर के एरिया में अगर आपको धूप लगी तो आप यहाँ पे एसी में आकर चिल कर सकते हो और अहमदाबाद को अच्छी तरीके से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डार्क ग्लासेस लगे हुए हैं। धूप नहीं लगेगी इसमें, बट आप बाहर देख सकते हो आसानी से। अब थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं। ओह माय गॉड, आज तो ना मज़ा ही आने वाला है। हाँ हाँ, ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे बैठेंगे और अहमदाबाद को देखेंगे। और अगर आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल होना है तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे आप लेट भी सकते हो। हाँ, बढ़िया। नॉर्मली ये बस टूरिस्ट से भरी रहती है, पर गर्मियाँ स्टार्ट हो रही थी, शायद इसी वजह से आज इस बस में मुझे मिला के सिर्फ 3 ही पैसेंजर्स थे। अभी मैंने देखा यहाँ पे ये ओवन भी है और ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है। फुल सुविधा है इस बस में। तो फाइनली बस स्टार्ट हो चुकी है। एक अजीब सी वाइब आ रही है मुझे, बट बहुत पॉजिटिव लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ओपन बस में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है, फर्स्ट डेस्टिनेशन है, वो है रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट। तो हमारे जो गाइड है ना, बाय गॉड, बहुत ही ज्यादा
अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली, मतलब जो जानकारी हमको चाहिए वो सब जानकारी उनके पास अवेलेबल है। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हो साबरमती रिवर फ्रंट, तो ये ना बोटिंग पॉइंट है। साबरमती रिवर फ्रंट पे ऐसे बहुत से पॉइंट्स बने, थोड़ा आगे जाएंगे तो सी प्लेन का एक पॉइंट है, फिर उसके आगे जाएंगे तो बर्ड्स व्यू का एक पॉइंट है, मतलब पूरे रिवर फ्रंट पे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बने। और यहाँ पे ये जो आप बोट देख रहे हो, ये 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है। साबरमती रिवर फ्रंट देखने के बाद हम सिद्दी सैयद की जाली देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर इस जगह पे जो सुकून था ना, जंगलों और पहाड़ों घूमने वाला मैं शहरों में सुकून ढूंढ लूंगा लगा नहीं था मुझे। तो हमारा अगला स्टॉप है अहमदाबाद की आन बान और शान, सिद्दी सैयद की जाली। सिद्दी सैयद मुजफ्फर शाह थर्ड के सेना में थे। उनकी ईमानदारी और वफादारी के चलते मुजफ्फर शाह थर्ड ने सिद्दी सैयद को कुछ गांव तोहफे के रूप में दिए थे। तो उन गांवों से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका इस्तेमाल सिद्दी सैयद इस मस्जिद को बनाने में और कला में करते थे। सन 1572-73 में इस मस्जिद के साथ इस जाली का निर्माण किया गया था। बारीक नक्काशी और कारीगरी से लय इस जाली को अहमदाबाद के IIM के लोगों में भी स्थान दिया गया है। तो सिद्दी सैयद की जाली देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं भद्र फोर्ट देखने। वहाँ पे एक्चुअली सिद्दी सैयद की जाली में कैमरास अलाउ नहीं थे, बट ऑल थैंक्स टू राहुल भाई, उन्होंने समहाउ मैनेज किया और जितने भी थोड़े बहुत शॉट्स आपने देखे वो इन्होंने जो मुझे परमिशन लेके दी की वजह से आप वो शॉट्स देख पाए। तो ये ना, अगर आप यहाँ पे अकेले घूमने आओगे तो शायद आपको वो कैमरा अलाउ नहीं करेंगे, बट ये बस के थ्रू आओगे क्योंकि बस में आपके साथ एक गाइड रहेगा, तो आप ये सब जगहों पे फोटोज़ और वीडियोस ले सकते हो। अहमदाबाद के बाज़ारों से होते हुए राहुल भाई हमको भद्र का किला दिखाने के लिए ले जा रहे थे, पर जब हम किले पे पहुँचे तब हमें पता चला कि मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा था इसलिए किला बंद था, पर राहुल भाई ने बाहर से ही हमें इस किले के बारे में पूरी जानकारी दे दी। 1411 में बादशाह ने इस किले के निर्माण के समय चार जो पहली नींव रखनी थी उसके लिए चार अहमद को ढूंढा। वो चार अहमद जो कभी भी अपने दिन की नमाज अदा करने से ना चुके हो अपनी पूरी लाइफ में, तो वो थे एक मलिक अहमद, एक काजी अहमद, एक बादशाह अहमद का खुद और उनके गुरु थे अहमद खटुकन पर। उन्होंने चारों ने मिलकर इसकी पहली नींव की बुनियाद रखी, पहली नींव रखी, उस वजह से इसका नाम पड़ा अहमद आबाद, उनसे इसे कहा जाता था अहमदाबाद, फिर गुजरातियों ने इसका कर दिया अहमदाबाद, अपभ्रंश होता है ना जो, गुजरातियों ने कर दिया अहमदाबाद। राहुल भाई हमको ये जो तीन अलग अलग टाइप की आप इमारतें देख रहे होंगे मेरे पीछे उसके बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ जी राहुल, ये तीनों जो आप अलग अलग देख रहे हो वो तीनों अलग अलग शासन में बने हुए हैं। जैसे ये जो आप गेट देख रहे हो भद्र फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, वो सल्तनत काल में बना था, गुजरात सल्तनत का जब शासन था यहाँ पे उस टाइम पे ये बना हुआ था। फिर जब मुगलों का शासन आया तो ये सारी जो आप व्हाइट दीवार देख रहे हो, पहले यहाँ पे ये किले की दीवार हुआ करती थी, उसको तोड़ के फिरोज खान ने यहाँ पे एक सराय बनवाई। अच्छा, जो पूरी व्हाइट इमारत देख रहे हो वो हो गई मुगल काल का स्ट्रक्चर, पूरा मुगल काल का स्ट्रक्चर। सराय का मतलब ये होता है कि धर्मशाला जहाँ पे लोग रुकते हैं और खाना वगैरह मिलता। आज ये लाइब्रेरी में तब्दील हो गई है, गुजरात गवर्नमेंट ने इसको लाइब्रेरी में ट्रांसफर किया और ऊपर उसका कार्यालय है। और नीचे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मंदिर है, ये भद्रकाली माता का मंदिर है जो नगर देवी कही जाती है अहमदाबाद की, और ये मराठाओं के शासन काल में बना हुआ है। अच्छा, तो आप एक ही जगह पे तीन शासन काल के स्ट्रक्चर देख सकते हो। बस को कहीं पार्क करके हम जो हेरिटेज वॉक कर रहे थे ना, ओह माय गॉड, आई फेल्ट सो लकी, क्योंकि कहीं मुझे अहमदाबाद की सबसे पहली पोड़ दिखाई देती थी तो कहीं 400 साल पुराना ये चबूतरा, कहीं अहमदाबाद के पुराने बाजार, तो कहीं
ये शाही गेट, इसको क्या बोलते हैं, तीन दरवाजा, उसका शाही एंट्रेंस है। यहाँ से ही जो शाही सवारी निकलती है यहाँ से एंट्रेंस होती थी। अब ये गेट से लेके बद्र फोर्ट तक ये जितना इलाका था ना, वो मैदान शाही के नाम से जाना जाता था। एक रात को क्या हुआ, नगर देवी ये शहर छोड़ के जा रही थी, तो यहाँ पे जो दरवान खड़े थे सिद्दीक कोटवाल, उन्होंने माता से रिक्वेस्ट की कि माता आप जब तक मैं बादशाह की परमिशन लेके वापस ना आऊँ तब तक ये नगर छोड़ के मत जाना। माता ने कहा ठीक है। सिद्दीक कोटवाल बादशाह के पास गए, आधी रात का समय था, बादशाह सो रहे थे तो उनसे परमिशन ले नहीं पाए। तो सिद्दीक कोटवाल ने क्या किया, अपना खुद का सर कलम करवा लिया वहीं पे, अपना खुद का बलिदान देके उन्होंने माता को यहीं पे रोक दिया। पुराने अहमदाबाद के ऐसे कई किस्से और कहानियां राहुल भाई के मुंह से सुनते सुनते हम अहमदाबाद की जामी मस्जिद की ओर जा रहे थे। ओके गाइस, तो हम लोग फिलहाल अभी है अहमदाबाद की जामी मस्जिद में। सो गाइस, सुबह के 11 बजने को आए हैं और हम लोग अभी है अहमदाबाद की जामी मस्जिद में। और आप ना मेरे चारों ओर का ये जो व्यू है वो चेक करो। मैं ना फर्स्ट टाइम किसी मस्जिद में आया हूँ और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ना एक सुकून से भरी फीलिंग है, एक शांति है, एक सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे पहुँचने का। कौन से साल में बसाया था? 1411 में अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी बादशाह अहमद शाह ने। उसके बाद 1424 में उन्होंने ये जामा मस्जिद नगर वासियों के लिए बनवाई। जामा मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि किसी भी नगर के किसी शहर की सबसे बड़ी जो मस्जिद रहती है ना, उसको जामा मस्जिद बोलते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पे भी दीवार नहीं है। राहुल भाई ने मुझे बताया कि इस पूरी मस्जिद में 256 पिलर्स और ये पूरी मस्जिद के पिलर्स पे खड़ी है। जामी मस्जिद देखने के बाद हम अहमदाबाद की पुरानी गलियों से होते हुए रानी सिपरी की मस्जिद की ओर आगे बढ़ गए। ओके गाइस, तो ये है रानी सिपरी की मस्जिद। तो राहुल भाई हमें बता रहे थे कि ये बादशाह की जो रानी थी उनकी याद में बनाया गया। रानी सिपरी को गहनों का बहुत शौक था। अच्छा, तो इसलिए बादशाह ने इस मस्जिद पे सारे पिलर पे सब जगह गहनों की डिजाइन बनवाई। हाँ, ये उनको तोहफे में दिया।